यीशु पे मुकदमा चलायो जाते। अभी यो आधी रात को समय होती। ईसाइनिक यीशु को महायाजक के घर में लाइन काया की हु यीशु से सवाल करनो चाहत होती। पतरस दूर से उनको पीछा करत होती। जब सैनिक यीशु को घर में ले गई तो पतरस बाहर रुक गई और आगे सेकन लगी। घर के अंदर यहूदी अगवानाउन ने यीशु पे मुकदमा चलाई। ही ओके खिलाफ झूठी बात नाउन को बोलन के गुना बहुत से झूठे गवाह नाउन को लेके आई। हालांकि उनकी बात एक मेक से सहमत नहीं होती। एके गुना यहूदी अगवा यो साबित नहीं कर पाइन कि हु कोई भी बात को दोषी होती। यीशु ने कहीं भी नहीं कही। आखिर में महायाजक ने सीधे यीशु के किना देख के कही, हमा को बता कि का तूच जिंदो परमेश्वर को तुरा मसीह आस। यीशु ने कही, मैं चाम और तुम मोको परमेश्वर के संग बैठो हुओ और स्वर्ग से आतो हुओ भी देखो। महायाजक ने अपने कपड़ा फाड़ देस काया कि यीशु ने जो कहीस वह बात पे बहुत गुस्सा होतीस। वो दूसरे अगवा नाउन पे चिल्लाईस, हमा को यो बतान के गुना कोई और गवाह की जरूरत निया कि यो मानुष ने का करीस है। तुमने खुदच ओके से यो कहत सुने हो कि हु परमेश्वर को टूरा आए। ओके बारे में तुम्हारो फैसला का है? सप्पाई यहूदी अगवा नाउन ने महायाजक को उत्तर देन, हु मरण के लायक है। तब उनने यीशु की आखी पे पट्टी बांध देन, ओके पे थूकिन, ओको मारिन और ओको मजाक उड़ाइन। और पतरस जब हु घर के बाहर रास्ता देखत होतीस तब एक दासी टूरी ने ओको देखी। ओने ओके से कही, तू भी यीशु के संग होतेस। और पतरस ने मना कर दी। बाद में कोई दूसरी टूरी ने याज बात कही और पतरस ने दोबारा से इनकार कर दी। आखिर में कई लोग नाउन ने कहीन, हम जानतन कि तू यीशु के संग होतेस काया कि तुम दो ही गलील देश के आओ। फिर पतरस ने कहीस, अगर मैं यो मानुष को जानतम तो परमेश्वर मो को श्राप दे। तुरुत पतरस के या तरीका से कसम खान के बाद एक कुकड़ा बांग देस। यीशु ने पीछे पलट के पतरस को देखीस और पतरस वहां से चलो गईस और बिलक बिलक के रोईस। वाच समय यीशु को पकड़वान वालो यहूदा ने देखीस कि यहूदी लोग नाउन ने यीशु को मृत्यु दंड की सजा देन है। यहूदा बहुत दुखी भईस और जाय के अपने खुद को मार डाल। जब हु देश को राजा पिलातुस होतीस, हु रोम के गुना काम करत होतीस। यहूदी अगवा नाउन ने यीशु को ओके जवर लेके आई। ही लोग चाहत होतीन कि पिलातुस ओको मृत्यु दंड दे और ओको मार डाले। तब पिलातुस ने यीशु से पूछिस, का तू यहूदी लोग ना उनको राजास? यीशु ने उत्तर दे, तू ने सच कहेस, पर मोरो राज्य यहाँ धरती को नो है। अगर होतीस तो मोरे दास मोरे गुना लड़तीन। मैं या पृथ्वी पे परमेश्वर के बारे में सच्चाई को बतान के गुना आए। हम हर एक जन जो सच्चाई से प्यार करते हु मोरी बात सुनते। पिलातुस ने कहीस, तो सच्चाई का है? यीशु के संग बात करन के बाद पिलातुस ने बाहर गर्दी के जवर जाय के कहीस, मैं एके में असो कोई कारण नहीं जानम कि यो मानुष मार डालन के लायक है। पर यहूदी अगवा नाउन और जो गर्दी ने चिल्लाई चिल्लाई के कहीन, ओको क्रूस पे चढ़ाओ। तब पिलातुस ने उत्तर देस, हु कोई गलती करन को दोषी निया। पर ही और भी ऊंची आवाज में चिल्लान लगिन। तब पिलातुस ने तीसरी बार कही, हु दोषी निया। पिलातुस डर गईस कि वह गर्दी हल्ला दंगा शुरू कर सकते। एके गुना हु अपने सैनिक नाउन के जरिया से यीशु को क्रूस पे चढ़ान के गुना मान गईस। रोमी सैनिक नाउन ने यीशु को कोड़ा मारी और ओको राजा के कपड़ा पहनाई और ओके मुंडी पे काटा से बनो मुकुट रख दे।
तब ही लोग यो कह के ओको मजाक उड़ान लगिन, देखो यहूदी लोग ना उनको राजा।